हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स आ रहे थे कि जो उनका चैनल है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है, ठीक है, यूट्यूब ऑटोमेटिकली उनका चैनल सस्पेंड कर रहा है, बिकॉज उनका जो मेन चैनल या कुछ भी आपके चैनल में प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपका जो फर्स्ट चैनल है एक बार डिलीट हो चुका है। एंड चूँकि उसके बाद चूँकि लगातार आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो रहा है, ठीक है, एंड आपकी कोई इसमें मिस्टेक भी नहीं है, इसके बाद भी आपका चैनल चूँकि यूट्यूब डिलीट कर रहा है। आज की वीडियो आपको वो यही बताने वाले, बिकॉज मेरे भी चूँकि मेरा भी एक चैनल था जिसमें 13,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, एंड वो मेरा चैनल चूँकि 3 साल पुराना था, ठीक है, एंड वो मोनेटाइज चैनल था चूँकि यूट्यूब ने डिलीट किया। इसके बाद मेरे भी चैनल चूँकि लगातार 3 चैनल सस्पेंड किए यूट्यूब ने, एंड मैंने उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं की थी। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे आपको अपने डिवाइस में क्या करना है जिसके बाद आपका चैनल चूँकि आपका डिलीट नहीं होगा, ठीक है, आप उसी डिवाइस में बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको कुछ जो स्टेप होते हैं आपको वो फॉलो करना है। प्लीज़ इस वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पर्सनली जो स्टेप चूँकि फॉलो किए हैं वही आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल में हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो है तो उनको देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बात करते हैं दोस्तों चूँकि चैनल क्यों डिलीट हुआ चुकी, ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आपको करना क्या है। सबको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेप करना क्या है कि जो आपका पहली जीमेल आईडी है, ठीक है, जिसमें आपका चैनल लॉगिन था, जो आपका चैनल सस्पेंड हुआ है, सिंपली सबसे पहले आपको वो चूँकि आईडी आपको डिलीट करनी है हटानी अपने डिवाइस से। एंड इसके बाद करना क्या है, जो भी आपकी पुरानी उसके साथ जो भी आईडी लिंक थी, ठीक है, आपको सारी रिमूव करनी। इसके बाद अपने डिवाइस को एक बार रिसेट कर लीजिएगा, अपना डाटा जो भी है सेव करने के बाद रिसेट करिएगा, ठीक है, अपने डिवाइस को। एंड रिसेट करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक न्यू जीमेल आईडी बनानी है। एंड इसके बाद आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सावधानी करनी क्या है, आपको जो आपने मोबाइल नंबर ऐड किया था, ठीक, उस जीमेल आईडी में आपको वो नंबर अपना ऐड नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज आप लोगों को पता ही होगा जब भी चूँकि चैनल सस्पेंड होता है तो उसमें एक नोटिस चूँकि एक लिखा रहता है कि आप दूसरा कोई भी चैनल क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। अगर यूट्यूब जैसे ही उसमें चूँकि मैच हुआ सिस्टम में, यूट्यूब तुरंत आपका चैनल डिलीट कर देगा, ठीक है, एंड आपके चैनल में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो इससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको यही स्टेप फॉलो करना है, सिंपली आपको जब भी न्यू आईडी बनाए तो अपना चूँकि अपना नया नंबर ऐड करें, ठीक है, एंड न्यू नेम से ही बनाए, ठीक है। अगर आपका जीमेल आईडी आपके सेम नाम से बना लेते हैं दोस्तों, तो आपको एक न्यू नेम चूज़ करना, अपने फैमिली मेंबर का किसी का भी आप यूज़ कर सकते, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, एंड आप नंबर भी न्यू यूज़ कीजिएगा। कुछ आपको ऐसे स्टेप फॉलो करना है, एंड आपका इसके बाद कोई भी चैनल टर्मिनेट नहीं होगा। एंड चूँकि मेरे 3 चैनल टर्मिनेट हुए इसके बाद, चूँकि मैंने वही नंबर सेम ऐड किया, इसके कारण मेरे चूँकि डिलीट हुए, ठीक है, एंड मैंने चूँकि मेरे 2 महीने हो चुका, ठीक है, चैनल पर दोस्तों मेरा चैनल डिलीट नहीं हुआ। आपको कुछ यही स्टेप फॉलो करना है। आई होप कि आप वीडियो पसंद ही होगी, अगर आपकी कोई भी नदर क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।